हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज का रेसिपी वीडियो ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आज मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ जो ट्रेंडिंग है, और आपको बताऊंगी कि क्या आपने भी वो चीज़ बनाकर देखनी चाहिए या नहीं, क्या ये वर्थ द हाइप है। आज मैं बना रही हूँ गन्ने का रस यानी शुगर केन जूस विदाउट शुगर केन। वेल, टेक्निकली इसमें शुगर केन है, क्योंकि ये गुड़ से बनता है, गुड़ शुगर केन से बनता है। मैं इसे बनाकर देखूंगी और पीकर आपको बताऊंगी कि क्या ये गन्ने के रस से क्लोज है, या फिर अगर थोड़ा अलग भी है तो क्या ये वर्थ अ ट्राई है। तो करते हैं गुड़ की रिवर्स इंजीनियरिंग और बनाते हैं शुगर केन जूस, एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये वर्थ है। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बहुत इजीली सबके किचन में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास गुड़, जिससे हम जो मतलब हमारा हीरो इंग्रेडिएंट होने वाला है आज इस गन्ने के रस में। और गन्ने के रस में साथ में थोड़ा सा पुदीना मैं डालने वाली हूँ, और नींबू तो अच्छा लगता ही है। और यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा है अदरक का, वो भी मैं डालूंगी। और यहाँ पर है काला नमक, इनके अलावा जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी और बर्फ़ के टुकड़े, जो मैं एकदम टाइम पर भी लेकर आऊँगी। इन चीज़ों को अब मैं साइड में रख देती हूँ और लेके आती हूँ अपना ब्लेंडर, और बनाते हैं ये वायरल गन्ने का रस बिना गन्ने, नहीं गन्ने से, क्योंकि टेक्निकली गुड़ गन्ने से ही बनता है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पानी, इसमें लेवल के मार्किंग्स हैं 300 ml। उसके बाद डालते हैं सूखा गन्ना, सूखा पकाया हुआ गन्ना, थोड़ा सा और डाल देते हैं, ऐसे भी फ्लेकी फ्लेकी है ना, थोड़ा सा काला नमक, नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें 1, 2, 3, 4 पत्ते पुदीने के, 3-4 इनफ है मेरे ख्याल से, तो कड़वा हो जाएगा, 4 पत्ते पुदीने के, और बर्फ डाल देते हैं, और ये थोड़ा नींबू का रस। मेरे हिसाब से नींबू का रस थोड़ा और होना चाहिए, बट लेट मी फर्स्ट मेक इट। हाँ, ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा सब डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया, डाल दिया, ठीक है। अब बनाते हैं गन्ने का रस, बहुत आवाज़ होने वाली है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ अभी ज़्यादा दूर नहीं है। कलर तो काफ़ी सिमिलर है, गन्ने के रस जैसा है काफ़ी ज़्यादा कलर। अब मैं इसे पोर कर रही हूँ ग्लास में, मेरे हिसाब से छानने की इसको ज़रूरत है नहीं, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं पुदीना रख रही हूँ, टिकेगा या नहीं यहाँ पे पता नहीं, अटका दिया इसको, अटक जा भाई अटक जा। मेरा ये कहना है कि ये जो गन्ने का रस है, या फिर ये जो हमने गुड़ से शरबत बनाया है, ये गन्ने के रस से मिलता जुलता है, लेकिन ये सेम नहीं है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको पता चलेगा इसमें और गन्ने के रस में, पर क्या आपने इसे बनाकर देखना चाहिए? वेल, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो नींबू पुदीना और अदरक काला नमक डाल के जो ये शरबत बना है, ये काफ़ी अच्छा है, और आपको सच में ये गन्ने के रस की याद दिलाएगा। और जो मामूली सा डिफरेंस है वो तो आएगा ही, ऑब्वियसली गुड़ गन्ने को पका कर एक पूरा प्रोसेस फॉलो करके बनाया जाता है, तो एकदम सेम कैसे हो सकता है? काले चने को अगर हम भिगोएंगे और फिर खाएंगे तो वो हरा चना तो नहीं बनेगा। मुझे तो ये पसंद आया है, इवन तो ये एकदम गन्ने के रस जैसा नहीं है। डेफिनेटली इसे समर्स में बनाकर पिया जा सकता है, और थोड़ा सा अगर आप नींबू ज्यादा इसमें रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा। अगर आप ये चीज घर पर बनाकर देख रहे हैं, तो जो बाकी की चीजें डाली है गुड़ के अलावा, वो मिस ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि उनसे ही इसका काफी ज्यादा टेस्ट गन्ने के रस जैसा लग रहा है। मैंने जिस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इनकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अच्छा वाला गुड़ यूज करें तो ये आपका जो गुड़ का शरबत है या फिर गन्ने का रस है, काफी अच्छा बन जाएगा। तो मैं करती हूँ इसे एंजॉय।
आज का ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो, और ऐसा सिमिलर कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाकर देखूं, और क्या वो अच्छी है या फिर ओके है या नहीं बनानी है, ये आप जानना चाहते हैं तो जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।